नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे टिकटों के जो दावेदार है उनमें खलबली मची हुई है, क्योंकि तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि उनका नाम पैनल में गया है और टिकट उन्हीं को मिलेगी। एक तरफ कहें राव और खट्टर की जो किस तरीके से वो आमने सामने हैं, टिकट में टकराव है, वहीं अमित शाह के साथ भी खट्टर का टकराव नजर आ रहा है। टिकट वितरण को लेकर के भाजपा किस तरीके से पसोपेश में है, हताश है, और कहीं ना कहीं भाजपा को भी कहें के एक तरीके से अंदेशा हो गया है कि हरियाणा में उनकी हालत पतली है, कि उनकी कड़ी पानी पानी हो गई है। बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी और साथ के अंदर है विनय यादव जी, चर्चा करेंगे। बॉबी राव जी, क्या कहेंगे भाई, जो टिकट के दावेदार हैं उनमें हड़कंप मचा पड़ा है, कई लोग अपने अपने कार्यालय को लेकर के परेशान हैं, नंबर आएगा नहीं आएगा, हालांकि टिकटें फाइनल होगी, पार्टी आला कमान ने तारीखों का ऐलान जो हुआ था चुनाव आयोग ने वो भी बढ़ा दिया, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही है। किस तरीके से देखते हैं, खट्टर के साथ भी कहीं ना कहीं शाह की अनबन है, आज जो रैली थी जींद में वहां शाह नहीं पहुंचे, किस तरीके से देख रहे हैं? खट्टर साहब बीजेपी को हरियाणा में गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। अब ये 9.5 साल राज करके खट्टर साहब के तो ये दिमाग के अंदर भय हो गया कि उनसे बड़ा लीडर कोई हरियाणा में नहीं है, और हरियाणा पे वो चाहेंगे जैसे भी सरकार बना लेंगे। अब जबकि हालात ये है कि खट्टर साहब को, खट्टर साहब जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, पंजाबी वर्ग से, वही उन्हें अपना लीडर नहीं मानते। खट्टर से बड़े बड़े लीडर इस पंजाबी समाज के हरियाणा के अंदर है, और खट्टर साहब 9.5 साल के राज में अपनी बिरादरी को ही अपने साथ नहीं ले पाए आज तक। परसों विनय भाई मेरी उस बात को काट रहे थे कि भाई, जब मैंने कहा था कि खट्टर साहब अहिरवाल से क्या मांगते हैं, विनय भाई कहते भाई मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नॉट बाय चॉइस, कोई चॉइस से मुख्यमंत्री नहीं थे खट्टर साहब। तो जब सरकार बन गई, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह का चेहरा रखा गया सीएम का, कहीं राव इंद्रजीत सिंह का रखा गया, कहीं रामविलास शर्मा जी का रखा गया, उसके बाद पैराशूट से अचानक उतार के बता दिया कि भाई अब की बार के मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर साहब होंगे। मुझे लगता है हरियाणा में शायद 95% लोग तो जानते ही नहीं होंगे इनको कि खट्टर साहब है कौन, मासे जी उस वक्त 95% लोग नहीं जानते थे, नो डाउट हम भी नहीं जानते थे कौन खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनको तो जरूरत से ज्यादा और खट्टर साहब की औकात से बाहर बीजेपी पार्टी ने दे दिया। भाई एक संघ के प्रचारक थे, प्रचारक के नाते पहली बार सरकार बनी, मोदी साहब के निकट रहे, उनकी दरिया बिछाई है, उनके बर्तन साफ किए हैं, उनके कपड़े धोए हैं, तो मोदी जी ने इनको मोदी जी भी तो उनके स्कूटर में घूमते थे भाई, तो सिला तो मिलना। हाँ तो वो सिला दिया, तो उनने बना दिया मुख्यमंत्री। अब वो मुख्यमंत्री बन के वो इतने बहन में आ गए कि अभी पहले राव इंद्रजीत सिंह से, चौधरी वीरेंद्र सिंह से, ऐसे कौन से आदमी थे कि जिनकी खट्टर साहब से बड़ी हरियाणा के अंदर। खट्टर साहब कोई मास लीडर नहीं है, तो शाह की आंख में भी खटक रहे थे, शाह की आंख में भी तो खटक रहे थे ना। नहीं सुनिए, शाह साहब से तो उनमें अब सिंह फंसा लिए हैं। सिंह क्या फंसाए थे, अमित शाह जी नहीं चाहते थे कि जेजेपी के जितने ये एमएलए हैं ये बीजेपी ज्वाइन करे। अब 3-4 दिन से यही इनका झगड़ा चल रहा था, खट्टर साहब उस पे अड़े हुए थे। अब इनने आज ज्वाइन, वो जींद रैली थी, जींद रैली के अंदर ये 4 आदमियों को ज्वाइन करवा लिया इनने, जो जेजेपी के एमएलए थे, और इनको वो टिकट देने के मूड में है। अब ये विद्रोह तो पार्टी में ज्यादातर खट्टर साहब की देन है, खट्टर साहब ही करवा रहे। नहीं तो क्या बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार नहीं है क्या, सारे बाहर से याद करोगे, अपने भी, अपना भी कुछ सौदा होगा नहीं होगा, अपने भी कोई नेता होंगे? मोहनलाल जी वही तो बात मैं कह रहा हूं कि जब बीजेपी पार्टी और संगठन, हरियाणा का संगठन इस पक्ष में ही नहीं था कि इनको ज्वाइन करवाया जाए, तो ये तो खट्टर साहब की हट धर्मिता है कि वो अपनी बात पे अड़े रहे, भाई यहां मेरी बात नहीं मानी तो ऐसे मानो, ऐसे इनको ज्वाइन करवाओ। अब ये टिकट के लिए जुत्तम बाजार है, वो तो और बढ़ेगी। अब खट्टर साहब तो टेम्पू, बस, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा सब लेके खड़े हैं कि कोई किस में बैठ जाओ, लेके पूरे हरियाणा में घुमा रखी है। आज एक मैं न्यूज पेपर पे सर्वे देख रहा था, सर्वे आ रहा था
और गलती से आज मैं कहीं बाहर था, जब वापस लौट रहा था तो मुझे एक आपके आरएसएस के वरिष्ठ बंधु मिल गए मुझे, उनने जो बात रह गई मैं हैरान रह गया, मैंने कहा कैसी बातें करते हो, वो तो आज भी बता रहे हैं, बोले जी हमारी बीजेपी के 50 से 55 सीट आएंगे हरियाणा के अंदर। मैंने कहा यार खाता तुम्हारा खुल जाए वही 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 बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस की 25-30 सीट आएंगी और 55 सीट में खाता तो खुलेगा। डॉक्टर शिवरतन जी हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर साहब बोल रहा जी खाता नहीं, डॉक्टर शिवरतन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, चर्चा में सीधा जुड़ गए। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मेरी? नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आवाज खोले नीचे से। आप आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज, आप आ रही है? हाँ आ गई। नमस्कार मोहनलाल जी। भाई डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये है, जो टिकटों को लेकर के जूतम पैजार मची हुई है, जो दावेदार है उनकी धड़कने भरी हुई है कि भाई क्यों नहीं पार्टी कर देती टिकटें, अभी लिस्ट को रोका हुआ है, कयास से 1 तारीख को आ जाएगी, 31 तारीख को आ जाएगी, अभी धड़कने भरी हुई है तमाम लोगों की। एक तरफ कलह मचा हुआ है टिकटों को लेकर के, एक तरफ राव खेमा, एक तरफ खट्टर खेमा, एक तरफ शाह खेमा, भाई कितने खेमों में बटेगी बीजेपी? कांग्रेस इस बार उत्साहित है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखो मोहनलाल जी, पिछली बार भी हमारी और विनय भाई भी थे उस टाइम पे, पिछले जब पैनल डिस्कशन में मैं एक सप्ताह पहले आपके पास आया था, तो मुझे तो ये लगता है कि ये प्रजातंत्र है ही नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट मोमेंट तक आप किस बात से डरते हैं कि आप क्यों नहीं अपने उम्मीदवार 6 महीने पहले घोषित कर दें? क्योंकि अगर आप उम्मीदवार पहले घोषित कर देंगे तो क्या होगा, आपकी पार्टी में विद्रोह हो जाएगा किसी पार्टी में, इसी वजह से नहीं किए जाते, या डिफेक्शन होकर दूसरी साइड चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो लोग आपके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं या जिनको आप टिकट दे रहे हैं, वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए और सत्ता के कुर्सी पे काबिज होने के लिए ही तो जाते हैं कि किसी भी तरीके से हम सत्ता में आ जाएं, बस इसका मतलब तो यही हो रहा है। तो अगर अच्छा वर्कर अगर पहले से आप डिक्लेयर कर दें 1 साल 6 महीने पहले, तो कम से कम उस एरिया में जाके अपनी पहचान बनाए, चीजें करें, पार्टी देखे इस चीज को। अभी क्या हो रहा है, हर जगह से 5-5 या 6-6 कैंडिडेट, ये तो मिनिमम बता रहा हूँ, अदरवाइज तो लिस्ट देखे तो 50-55 कैंडिडेट होते हैं एक पार्टी की एक असेंबली सीट से। आपको लगता है इतनी पार्टी में नैतिकता बची है? 1 साल पहले आप कह रहे हैं, आज जो 1 महीने पहले करते उसमें बगावत हो जाती है, आपने तो डॉक्टर साहब 1 साल पहले का कह दिया पार्टी में। मैं यही तो कह रहा हूँ नैतिकता तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स का एक गेम है। ये प्रजातंत्र को तो एक गेम बना लिया है पार्टियों ने, सभी पार्टियों ने एक गेम बना लिया है कि किस तरह से इसको, इस गेम को खेला जाए, कुर्सी कुर्सी खेला जाए और इसमें कैसे काबिज हुआ जाए। अभी जो आदमी कल परसों तक बीजेपी का नहीं था, आज वो बीजेपी का हो गया है, 4 दिन पहले जो कांग्रेस का नहीं था वो आज कांग्रेस का हो गया है, सिर्फ इसलिए कि हमें एक विनिंग कैंडिडेट या किसी भी तरह से सत्ता में काबिज होना है, तो ये चीज तो गलत है, प्रजातंत्र में नहीं है। अब रही बात धरातल पे सच्चाई की, तो ये बात तो सही है कि सीट जो टिकट है ज्यादातर पार्टियां उसी को देती हैं जो उसकी विनेबिलिटी होती है, लेकिन विनेबिलिटी देखने के लिए अब आप ये सोचिए बीजेपी में भी या कांग्रेस में भी, अगर एक बंदे को मान लो 5 कैंडिडेट हैं और उनमें से एक को सीट दे दी या एक को टिकट दे दी, तो बाकी 4 लोग क्या उसके फेवर में वो इलेक्शन को उठाएंगे? वो नहीं उठा रहे, वो उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि ये किसी तरह जीत के और ये बीजेपी की सीट आगे कई सालों के लिए पक्की ना हो जाए इस बंदे के नाम पे। वो तो 19 में नजारा, ये चीजें वो तो 19 में नजारा देखा, कापड़ीवास को ये इसी चीज का नुकसान हुआ, बागियों के चुनाव लड़े, हिम्मत दिखाई, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी की असली नकली की लड़ाई के अंदर कांग्रेस बाजी मार गई, और कमोबेश वो स्थिति फिर एक बार नजर आ रही है। आपको लगता है 24 में भी वही हालात और स्थिति देखने को मिल सकता है? मुझे ऐसा ही लगता है, जब भी चतुष्कोणीय या त्रिकोणीय संघर्ष होगा तो कांग्रेस के हाथ में बाजी जाएगी, कांग्रेस के हाथ में बाजी जाएगी। विनय जी देखिए, डॉक्टर साहब तो कर रहे हैं नैतिकता की बात, की नैतिकता तो अब है ही नहीं, यानी कि अगर आपका कैंडिडेट है पार्टी के अंदर है तो आप पहले कर दे 6 महीने पहले, भाई क्यों घोड़े दौड़ाते हैं, क्यों लोगों को परेशान करते हैं, भाई जिक्र एक बार कर दे भाई ये हमारा कैंडिडेट होगा तो इतने जूतम बाजार हो नहीं। भाई लोकसभा चुनाव में भी तो कर दी थी राविंदर जी को आपने इतने दिन पहले, अब क्या दिक्कत हो रही है आपको विधानसभा में? अगर सुनील को देनी थी, मंजू को देनी थी, लेकिन जो चर्चाएं आ रही है, कभी मंजू का नाम आ रहा है, कभी किसी महिला का नाम जा रहा है, ये जो चर्चाएं खेल रही है बीजेपी पार्टियां, इसको किस तरीके से आप देखिए? मोहन जी, आप राजनीति में अगर हैं तो नैतिकता का मापदंड आपका बहुत निचले पायदान पर आता है,
सत्ता का जो खेल है वो नैतिकता के आधार पर नहीं चल सकता, ना मानवता के आधार पर चलेगा ना नैतिकता के आधार पर। सत्ता राजनीति उसी के अनुसार चलेगी जो उसके अंदर सदियों से होता आया है। अगर आप बात करें नैतिकता की, तो जो पार्टी के अंदर बड़े नेता है जो टिकट बांट रहे हैं, क्या वो अपनी नैतिकता सिद्ध कर सकते हैं? बड़ी बड़ी ग्रेवेंस कमेटी की मीटिंग होती है, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, ग्रेवेंस की मीटिंग लेते हैं, वहां भी केवल राजनीतिक तौर पर ही मसले हल होते हैं, राजनीति की बातें होती हैं। कोई भी आकर कहता है कि शहर की आपकी क्या समस्या है बताइए, सबसे पहले मैं उनको सुनूंगा और उन पे बात करूंगा। अब नैतिकता की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनमें से सब अपना चुनाव जीतने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना दम दिखाने के लिए लगे हुए हैं। कि उसके अंदर जितने भी कैंडिडेट है, मैं नाम लूं तो वो अच्छा नहीं लगता सबका, एक ने भी ये कहा है आकर के शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं, हम उनका उपाय करेंगे, अतिक्रमण की समस्या से हम कैसे निपटेंगे, मैं इसके खिलाफ हूं। अतिक्रमण पे बोल दिया तो व्यापारी नाराज, पशु जो घूम रहे हैं उन पे बोल दिया तो एक विशेष वर्ग नाराज, जितनी ये अवैध वसूलियां हो रही है बाजार में मार्केट कमेटी से, नगर परिषद उस पे बोल दिया तो फिर वो अदर लोग भी नाराज। तो नैतिकता पे कौन सवाल कर रहे हैं? अब आप पीछे एक बताइए, अगर हम ये नैतिकता की बातें किसी भी एक अन्य वर्ग पे करें, बिजली विभाग पे कर दें, बिजली विभाग के अंदर तो बड़े रिश्वत ली जाती, चोरी की जाती है, तो फिर वो उनके कर्मचारी नाराज वोटर के। ये नैतिकता नहीं है, कोई अमित शाह में और खट्टर में टकराओ, यही बात। अब मुझे आप बताइए नैतिकता के नाते, पूरे सर्कुलर रोड पे इतना भारी एनक्रोचमेंट है, नैतिकता के हिसाब से क्या वो बिल्डिंग मॉल टाउन में बनी वो चल रही है? नैतिकता के नाते क्या संस्थान जिनके नक्शे पास है, जिनको बेसमेंट में परमिशन अलग चीज की है, काम अलग, हो क्या वो नैतिकता के नाते चल रहे हैं? नैतिकता इंसानों में ही नहीं बची है अपने व्यापार के प्रति, सब कंपटीशन में है, आपका व्यवसाय हो चाहे हमारा व्यवसाय हो या कोई भी व्यवसाय। अब बात हो रही थी राजनीतिक नैतिकता की, जब पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में नैतिकता नहीं बची है, जो पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के सर्वोच्च मुखिया हैं उनमें नैतिकता नहीं बची है, तो आप निचलों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो भी नैतिकता के आधार पर। राव जी जो कह रहे हैं ना घर भरने की तैयारी हो रही है भाई, वो तो सबके टेम्पू और कार, मैं उसी बात पे आऊंगा पहले डॉक्टर, मैं वही चीज पूछ रहा था कि मतलब सिर्फ घर भरने की हवाबाजी बनाने की है कि जी हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए, भाई जेजेपी से आने के लिए शाह ने मना कर दिया, खट्टर को मान जाना चाहिए भाई हमें नहीं लेना, लेकिन वो ऊपर मंडी होकर के ले रहे हैं, तो ये टकराव क्या लगता है भाजपा को बड़ा नुकसान करेगा? मोहन जी एक चीज बताइए मुझे, राजनीति की बात करें तो राजनीति के अंदर तो जो भी नेता होगा जिसको मौका मिलेगा अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। क्या आज के समय में प्रतिद्वंद खट्टर साहब का अलग अलग लोकसभाओं में सभी से नहीं चल रहा? क्या हमारे माननीय सांसद साहब का पार्टी में नहीं चल रहा प्रतिद्वंद अपने आप को सिद्ध करने? क्या हमारे खट्टर साहब ने कही है ठीक है मैं दक्षिणी हरियाणा की जो सीटें निकाल सकता है उसके साथ मैं सुलह करूंगा, उसके अनुसार टिकट दूंगा? क्या हमारे दक्षिणी हरियाणा के नेता ने कही है कि ठीक है जो जो जिताऊ कैंडिडेट है मैं अपनी लॉबी को छोड़कर केवल दूसरों को राजनीतिक हाशिए पे लाने के बजाय अपने आप को सिद्ध करने के बजाय जो जिताऊ कैंडिडेट या पार्टी के पुराने लॉयल है उनके साथ में खड़ा हुआ, आप मेरे साथ मंत्रणा करें या मैं उनसे मिलने जाऊंगा? सब राजनीति में अपने आप को सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये बातें अगर आप करते हैं तो ये राजनेताओं को, राजनीति से जुड़े लोगों को किसी को पसंद नहीं आएगी। अब बात करें खट्टर साहब की, खट्टर साहब ने ये भाजपा के ऊपर से जो उनको एक तरह से आप मिले जो संस्कार मिले हैं वही नीचे तक फॉलो हो रहे हैं। जब सेंटर की सरकार बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, जो नहीं आना चाहता उसको जबरदस्ती ईडी सीबीआई की रेट डालकर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, तो वही अनुसरण तो निचले वाले नेता करेंगे ना। अब जो आ रहा है उसको आने दो, पर अब समस्या क्या हो गई है, अब इन्होंने रिजर्वेशन की सीट नहीं रखी अपनी पार्टी में बस में जिसने होती है, अब वो रिजर्वेशन की सीट नहीं होने की वजह से इन्होंने जिनकी रिजर्वेशन थी वहां तो अवैध जो बस में भाग कर चढ़े उनको बिना टिकट वाले थे उनको सीट में बैठा दिया गया, और जो पुराने जो पार्टी के निष्ठावान है जिन्होंने लॉयल्टी दिखाई पार्टी में लगातार, जो पार्टी से विरोध कम किया, पार्टी की नीतियों को मान लिया उन्होंने, वो रहे, और जो पार्टी से विरोध करके चुनाव लड़ते रहे उनकी फिर पैरवियां हो रही है, जो कई कई दलों से बदल के आ गए भाजपा में रहे छोड़ गए फिर आ गए, या कोई ऐसे कांग्रेस के थे वो आए और फिर चले गए फिर आए, तो इस तरह की जो है ना केवल आप पार्टियां केवल ये सोच रही है किस तरह से हमारी सत्ता हरियाणा में बढ़ेगी। चलिए बोबी भाई, बोबी आवाज आ रही भाई? जी हाँ मोनाल जी। मैं ये कह रहा हूँ ये जो द्वंद चल रहा है ये तो अगर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, मान लो 1% के लिए अटली से मान लो आरती को टिकट मिल गया, संतोष का टिकट कट गया, तो ये तो फिर एक दूसरे को हराने के लिए भी रचा जाएगा। 2019 में इसका देखा होगा मुसेपुर को टिकट मिली भाई किसी भी तरीके से, शाम दाम दंड भेद भाई मुझे तो चुनाव लड़ना काफी बात, चुनाव लड़े और मुसेपुर हार गए, तो ये चीजें तो इसके बाद मुझे लगता है टिकट वितरण के बाद भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आज अटेली संतोष से बात कर रहा था उनका भी मनोबल टूटा पड़ा है, बोलो भाई
मैं क्या करूं, मेरे तो पिछली बार भी टिकट काट दी। बिल्कुल मोहनलाल जी, देखो कैंडिडेट जो ये एक एक सीट पे चार चार पांच पांच छह छह कैंडिडेट है, ये अब गणित तो बिगाड़ेंगे किसी का। आप सोचो कि ये इसको एक जमा एक दो और दो जमा एक तीन, ये छह जने जुड़ के जोड़ेंगे, जोड़ेंगे नहीं, ये काटने का काम करेंगे। अब कितना कटता है और कोई कैंडिडेट टिकता जिसको टिकट मिलेगी वो कितना सफर करेगा, ये डिपेंड उसके ऊपर है। दूसरा, वो जिसको टिकट मिलेगी वो कितना इनको मना पाएगा, कितने लोगों को मना पाएगा, मैनेज कर पाएगा, उस पर डिपेंड है। अब मुझे ये लगता है कि सभी मैनेज हो जाएंगे, मान लिया कोई एक दो होते हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, मगर पांच पांच छह छह आदमी वो आपको 20-25 दिन कन्वेंसिंग के मिलेंगे, आप कन्वेंसिंग करेंगे कि आप लोग इनको मैनेज करोगे, तो ये तो कहीं ना कहीं ये पार्टी कर रही है सब आपस में। दूसरी बात, मुझे एक ये नजर आती है कि पार्टी को लग रहा है कि तुम सत्ता से बाहर जा रहे हो, और सत्ता से बाहर जाओगे तो अगर कैंडिडेट एक सीट पे एक ही रहा तो वो अगर घर बैठ गया तो तुम्हारे अगले आने वाले पांच साल तक जूते झंडे बिल्ले कौन उठाएगा, कौन तुम्हारी जय बोलेगा। तो इसलिए भी ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं कि भाई इस बार नहीं मिली कोई बात नहीं, इसको हराओ, नेक्स्ट टाइम तुम अपना दावा पेश करना, उनमें फिर कंपटीशन चलेगा, पांच साल तक पार्टी जिंदा रहेगी, वो इनकी जय बोलते रहेंगे, फ्री में इनको कार्यकर्ता मिलेंगे, फ्री में इनकी जय बोलने वाले मिलेंगे, फ्री में प्रचार करने वाले मिलेंगे। एक ये भी है, क्योंकि आरएसएस वाले, आरएसएस का हमेशा एक नजरिया रहा है, उसके उसकी हालात है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और आरएसएस पर्टिकुलर क्या करता है वो कभी नहीं बताता, उनका निगाह और कहा होती है, काम दूसरा करे रहते हैं, उनको अल्टीमेटली अपना गोल लेना होता है, वो दाएं बाएं जाके उस गोल तक पहुंच जाते हैं। अब खट्टर साहब का जो भी है अपना जीवन है वो इन्हीं छल कपट और इन्हीं इनमें बीता है, तो बीता है तो वो उसको यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखो उसका पार्टी को मैं नहीं समझता ही कोई फायदा होगा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। नहीं, इस बार टिकट में संघ की जो एंट्री हम देख रहे हैं अहिरवाल के अंदर, भाई ममता का नाम गया है, ममता के नाम के बाद राव ने कहा भाई जब ममता का नाम गया तो हमारे भी यहाँ महिला है, संजू मंजू यादव का नाम चला गया, तो दुविधा में तो कहीं ना कहीं पार्टी है ना। मतलब ये टकराव मैं जो पूछ रहा हूँ टिकट वितरण को लेकर के, ये और बड़ा नुकसान करेगा क्या टकराव ये? बहुत मोहन लाल जी, जो गुड़गावा की 22 और 23 तारीख की मीटिंग थी वहां से जो नाम गए थे पैनल में, वहां से तीन नाम गए थे, वहां से एक नाम था रणधीर सिंह कापड़ीवास का, दूसरा नाम था आपका सुनील मुसेपुर का, तीसरा नाम था वंदना पोपली का। जब ये तीन नाम गए थे तो उसके बाद राव साहब ने नेक्स्ट डे जो दिल्ली सीईसी की मीटिंग थी वहां थी, वहां नाम आगे जब इनने कहा कि महिला को टिकट दे दो तो मंजू यादव का नाम आगे चलाया गया, वहां पे आरएसएस का नाम नहीं गया था, रस्ते में नाम कट गए थे। मगर उसमें ये बात ठीक है कि ज्यादातर अहिरवाल के 90% सीट्स के ऊपर खट्टर साहब ने अपने आदमियों के नाम चला रखे थे सारे, तो वंदना और का नाम भी उसी के हिस्से है क्या भाई? अब खट्टर साहब तो अपने अब ये मुझे नहीं पता कि कापड़ीवास उनके हिस्से में था, वंदना पोपली का हिस्से में था, कि क्या किनके क्या हिस्से में था यहाँ से। अभी अभी खट्टर साहब ने परसों एक नया गुड़गावा की सीट ऑलमोस्ट डिसाइड हो गई थी और उसके अंदर समय बन गया था कि भाई ये इस कैंडिडेट को दे दी जाए, राव साहब भी थोड़े बहुत एग्री हो गए थे, सब बात आ गई, तो खट्टर साहब ने पक्चर फंसा के स्वामी धर्मदेव जी का नाम पैराशूट से लॉन्च कर दिया। लेकिन उन्होंने मना, मेरी स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी स्वयं महाराज जी से बात हुई, सारी बात हुई करी वहां से, तो महाराज जी बयान देते घूम रहे हैं अखबारों में और प्रेस प्रेस में सब कहा कि भाई मैं इच्छुक रही हूँ, मेरा नाम चला रहे कर रहे हैं यहाँ से। अब खट्टर साहब आप कैंडिडेट का पोस्ट तो लो, अब चलो वहां से हटा, अब कल एक नया बीज बोया गया है यहाँ से कि बादशाहपुर में टिकट की ऑलमोस्ट नरवीर के लिए सहमति बननी शुरू हुई थी या कुछ बन जाती सहमति हो जाता तो अब वहां पे सुधा यादव का नाम आ गया। सुधा ने भी मना कर रखा है चुनाव नहीं लड़ेंगे, रोड़ा तो यही हो रहा है ना भाई। रोड़ा यही हो रहा है, तो हमें ये पार्टी को, ये बीजेपी को बड़ा नुकसान करेगा क्या ये सगुफे जो आ रहे हैं मीडिया में जो खबरें आ रही है, ये मानते होगा नुकसान या फिर हताश है बीजेपी हरियाणा? 100% नुकसान होगा। बस सिर्फ यही है कि खट्टर साहब जाते जाते अपना एक ये छोड़ना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भाई जब तक खट्टर था या खट्टर है, खट्टर की बीजेपी में चलेगी, बीजेपी इस खट्टर एंड खट्टर इस बीजेपी, वो सिर्फ इस बात पे लगे हुए, इस पे तुले हुए हैं, चाहे उसके लिए पार्टी की तीसरी हो जाए, उनको इससे मतलब नहीं है। डॉक्टर साहब लगता है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई बीजेपी। ओवर कॉन्फिडेंस में
ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है बीजेपी को आपको? तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि शायद इस बार कॉन्फिडेंस नहीं है, और स्पेसिफिकली जो पूरे हरियाणा को अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो साउथ हरियाणा में फिर भी बीजेपी की पोजीशन बेटर है, लेकिन रेस्ट ऑफ द हरियाणा में जो हम सुनते हैं चीजों को, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी इस बार इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। कांग्रेस ने काफी ग्राउंड अपना वापस बनाया है, पर अभी ये कह नहीं सकते कि अभी तो एक महीना है ऑलमोस्ट अपने पास, मतलब पार्टियों के पास, कि क्या कवर होगा क्या नहीं होगा। अगर भीतर ये बात तो सही है कि बीजेपी के पास, बीजेपी ने पिछले 10 साल में जो यहाँ पे अपना गवर्नेंस की है उसके हिसाब से उन्होंने अपना कैडर बेस और अपना जो पॉलिटिकल बेस जो पब्लिक के बीच में था वो काफी मजबूत किया है। पहले बीजेपी की इतनी जड़ें नहीं थी जो अब पिछले 10 साल में बढ़ गई हैं, और उसका फायदा उनको होना चाहिए था। लेकिन अगर ये डिफेक्शन चल गया, क्योंकि अब उनका फायदा ये नहीं हो रहा, उनके क्या क्या हर असेंबली सीट पर उनके पास 3-3, 4-4 कैंडिडेट हैं। अरे भाई वो और अगर वहां लाए हुए हैं डॉक्टर साहब, खुद दूसरी पार्टी से लाए हुए हैं, अपने होते ना, अपने जिताओ उम्मीदवार होते तो टिकट नहीं काटनी पड़ती किसी की। भाई कांग्रेस के पास कैप्टन अजीत सिंह यादव है, उस परिवार को टिकट मिल रही है। जिस दिन कांग्रेस से भाग कर आएंगे वहां भी जूतम बाजार हो जाएगी। बताइए 14 में कापड़ी वास को टिकट दे दी ना पार्टी, जीत गया। 19 में टिकट काट दी तो उसका खामियाजे क्या हुआ, सीट गई वो हाथ से। तो मेरा मतलब ये है कांग्रेस में बीजेपी में तो सारे इजाद करके लाए हुए ना। बीजेपी का कौन सा नेता ऐसा जिताऊ लगता है आपको? आपको बता दीजिए, अरविंद यादव सीट निकाल सकते हैं आपको लगता है? अगर अरविंद को टिकट मिल जाए तो, वो तो बहुत पुराना कैंडिडेट है। सतीश खोड़ा यहाँ से निकाल सकते हैं रेवाड़ी से, अगर रेवाड़ी की बात की जाए तो मुझे यह लगता है कि रणधीर सिंह कापड़ीवास जी पुराने कैंडिडेट है और उनका काफी अच्छा वर्चस्व भी है। पूछ रहा हूँ, वो भी बागियों के चुनाव लड़के देख चुके ना, टिकट पे जिंदा है ना पार्टी। हाँ वो तो है ही। तो फिर सतीश मतलब टिकट पे बैठा, फिर सतीश जी बीजेपी में था, सतीश जिला प्रमुख, वो भी तो बीजेपी में है ना, उसको दे देते इस बार हो जाता। निर्दलीय वोट भी थे उसके खुद के, भी अपना वोटों का कहता था, कुछ पार्टी के मिल जाते, टकराव खत्म हो जाता। मैं वही तो पूछा, बीजेपी के पास तो ये इंटरनल कैंडिडेट नहीं है ना? नहीं, कैंडिडेट तो उनके अपने ही है ना। अभी भी अगर मान लो हम जो बात कर रहे हैं, रणधीर सिंह कापड़ीवास, सतीश प्रधान, और आपके जो सतीश खोला, वंदना पोपली और सुनील मुसेपुर, ये सारे कैंडिडेट तो बीजेपी के ही हैं, ये कोई बाहर से थोड़ी आए हुए हैं। अरे भाई कांग्रेस में भी वंदना पोपली, क्या बात कर रहे हो? नहीं वो ठीक है, वो आप हाँ ठीक है, मैं वंदना पोपली की चलो मान लेता हूँ कि ठीक है, पर सतीश जी पिछले 3-4 साल मतलब 2-3 बार से मेरे ख्याल से अभी नहीं है। अभी अभी तो बीजेपी भैया अपना अपना कोई ऐसा नहीं है ना। जो सन्नी भी है वो भी पिछली बार निर्दलीय थे, सतीश भी पिछली बार निर्दलीय थे, तो बीजेपी कैडर के नहीं है ना। चलिए चलिए समापन करेंगे। बोबी भाई कुछ कहना चाह रहे? बोबी भाई मैं ये कह रहा था कि ये कैंडिडेट तो जो ज्वाइन किया है इन सबने टिकट के लिए ज्वाइन किया था, सबकी पृष्ठभूमि देखेंगे। सतीश खोड़ा पहले इन लोगों के अंदर था, सतीश कुमार जो जिला प्रमुख है उससे तो जहां देखी तो वहां पर आत वहां काटी सारी रात, उसके तो हालात ये थे, कभी कभी कहा नहीं नहीं मेरी बात सुनिए। 2 महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिठा के चाय पिला रहे थे, कप्तान साहब ही कटकी करवा रहे थे, कांग्रेस में फैक्शन डलवा रहे थे, कभी कभी दीपेंद्र हो कभी राजनीति है भाई, सारे करते भाई वो राजनीति है। सुनिए ना, सुनिए उससे 4 महीने पहले, जब ये उससे 4-6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव, वो जो आप पार्टी के सुशील गुप्ता जी उनके साथ आम पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, तो इनका कोई नैतिकता थोड़ी है इन लोगों में यहाँ से कि भाई नैतिकता बची हुई है। भाई घूम फिर के वो नैतिकता में बात आ जाती है। अरे राजनीति में नैतिकता होती तो पर राजनीति नहीं है ना वो। देखिए मोहन जी, राज और नीति दोनों अलग अलग चीज है। आपको राज चलाने के लिए अपने स्तर की अपनी नीतियां खुद बनानी पड़ेगी, तब आपका राज चलेगा। जिस तरह राव साहब भी अपनी नीति, अपना राज चलाने के लिए अपनी नीतियां बना रहे हैं, अपने इजाद हुए कैंडिडेट्स को ला रहे हैं, चाहे वो पार्टी में पुराने हैं या नहीं है, इसी तरह खट्टर साहब का भी यही है कि वो भी अपने पैराशूट लैंडिंग के कैंडिडेट हर जगह उतारने को तैयार बैठे हैं।
ऐसी कोई विधानसभा वो भी नहीं छोड़ना चाहते जो उनके निजी कैंडिडेट वो चुनाव टिकट देने के लिए इच्छुक ना हो। बिल्कुल पार्टी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने अहम अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टी के अंदर रहकर भी। अगर पार्टी की बात हो, अगर पार्टी में भी नैतिकता हो तो पार्टी को ये करना चाहिए कि जैसे उन्होंने किसी को चेयरमैन बना दिया लगातार, आपको पार्टी ने अवार्ड रिवार्ड दिया, आप टिकट के लिए आप मत लाइन में मत आइए। आपको हमने दो बार इलेक्शन लड़वा के एमएलए मंत्री सांसद या कुछ आपको बना दिया निगम का चेयरमैन, अब आप साइड में होइए, अन्य को मौका दीजिए। मगर सब अपनी राजनीति को अपनी विरासत को आगे देना चाहते हैं। अगर यही बात हम कैप्टन हाउस से कांग्रेस में कहें, आप लगातार इतने साल लड़ चुके हैं, आप लड़के को छोड़कर किसी अन्य को आगे आने दीजिए, कांग्रेस उसको टिकट देना चाह रहा है आप उसकी मदद कीजिए, वो नहीं करेंगे। यही बात अगर हम करें कापड़ीवास परिवार के लिए करें या सतीश के लिए या हमारे सांसद साहब के लिए अन्य किसी और क्षेत्र में क्या राव नरवीर के लिए, राव नरवीर के लिए सबकी यही सोच है, अपने आप को राजनीति में कैसे जिंदा रखें, अपनी पावर को कैसे यूज करें, पावर में कैसे रहे और अपने वर्चस्व को कैसे कायम करें, उसके लिए वर्चस्व की लड़ाई केवल वर्चस्व की है, ना किसी को पार्टी की हार जीत से मतलब, ना नैतिकता से मतलब है। सब ये चाहते हैं कि मेरे कैंडिडेट मेरे समर्थक मेरे पास ज्यादा रहे, मैं ज्यादा जिताऊं पाऊं और मेरा पार्टी में वर्चस्व रहे, दबदबा रहे, ताकि मैं सबके ऊपर हावी रहूं। लड़ाई राजनीति में वर्चस्व और दबदबे की है कि मेरा वर्चस्व बना रहे, और इसी लड़ाई में कहें कि अहिरवाल को किस तरीके से राजनीति के बड़े पैमाने पर लाकर खड़ा कर रखा है। कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी मैं ये कह रहा हूँ मोहनलाल जी, आगे से आप ना इसको प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये राजनीति और राजतंत्र अगर एक चीज हो गई, मतलब राज में आने का एक तरीका है राजनीति, तो ये प्रजातंत्र का ढकोसला हम छोड़ दें। परिवार प्रजातंत्र नहीं वही वो काम तो फिर हम जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत सारी जगह वोट डलते हैं, कहने को वहां प्रजातंत्र है, वोट वही डालेंगे जहां वो पार्टियां कहेंगी। आज वही चीज हो रही है, आज डिक्टेटरशिप, आज यानी कि राजनीति पार्टी में डिक्टेटरशिप। भाई जिसका ज्यादा रुतबा होगा, अगर अहिरवाल में सीट जीतनी है तो भाई जाहिर है राव का दबदबा काम करेगा, राव के अनुसार टिकट देनी पड़ेगी। या बीजेपी अपने आप को इतना पावरफुल बनाती है अहिरवाल के अंदर, राव को ना रहती 2014 में। इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि जनता सिर्फ उन्हीं लोगों को बार बार पावर में लेके आती है। मैं पिछली बार भी कहा था, अभी फिर से कह रहा हूँ, क्या जनता ये समझ सकती है कि कोई बिना पैसे वाला आदमी जो साधन संपन्न नहीं है वो उनका नुमाइंदा बन सकता है, वो उनके बीच में से रह के उठ सकता है? डॉक्टर साहब उस आम जनता को अपनी दाल रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है, वो अपनी दाल रोटी में लगी हुई है, वोट तो डालती है। अरे नहीं है उनके पास फुर्सत, वो ही सोचती ना तो आज ये नेता हमारा ये हाल नहीं कर सकते थे। ठीक है आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, लेकिन जो ये टकराव है ये आने वाले दिनों में तमाम राजनीति पार्टियों को बड़ा नुकसान करेगा, और जो टिकट को लेकर के बगावत है, किस तरीके से टिकट वितरण होते होते ये बगावत और बड़ी होती जाएगी। फिलहाल आप तीनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।